8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटबंदी की घोषणा के बाद जो ये पुराने नोट थे उसके बाद जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी अलग अलग खातों में जमा कर दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंकों में से मिले डेटा के मुताबिक देश भर के 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई है। इन खातों में जमा की गई कुल रकम 7,34,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार के मुताबिक जिन 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख रुपए से अधिक जमा हुए हैं उनमें से 6,80,000 बैंक खातों पर जांच एजेंसियों की नजर है। अब इनकम टैक्स विभाग इन खातों की जांच करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि किस खाते में बिना टैक्स दिए पैसे जमा किए गए हैं। तो वाकई ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है जिसके तहत ब्लैक जो मनी है 3 से 4 लाख करोड़ की ब्लैक मनी उसको भी बैंक खातों में जमा किया गया है। लेकिन अब इसकी पूरी जांच जारी है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्होंने बिना टैक्स दिए ये पैसे जमा किए हैं।